शिरकत की है। काफ़ी दिन से कलश यात्रा भी निकाली गई थी। मुल्तान सेवा समिति के द्वारा यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया गया। हमारी माताओं बहनों ने कलश यात्रा की और उसके बाद आज यहाँ पर भागवत कथा का हवन पूजन के साथ जो है समापन यहाँ पर हुआ। मैं समझती हूँ कि इस तरह से भागवत में आना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। अपने जीवन में हम लोग जो कथावाचक है, जिन्होंने इस कथा को बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर कहा है, अपने जीवन में हम अच्छाइयों को लाएं, बुराइयों को त्यागने का काम करें और भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से पूरे क्षेत्र पर सुख शांति समृद्धि बनी रहे, ऐसी हम लोग कामना भी करते हैं। आज परशुराम जयंती है और प्रावर में आज प्रोग्राम होना था बहुत बड़ा और काफ़ी दिन से भी प्रचार में भी लगे थे नवीन जैन, तो उनका अचानक आज के दिन ही प्रोग्राम रोक दिया गया है। देखिए सरकार की क्या मंशा थी इस मामले में। भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर अपनी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। जिस प्रकार से उनका एक जीवन रहा है, बहुत ही संघर्ष और कर्म करके, और आज जो है पूरे देश भर में, विश्व भर में कई जगह पर भगवान परशुराम जयंती का बहुत ही अच्छे ढंग से आयोजन किया जा रहा है। पैरावर का बहुत समय से जो मामला लंबित था, न केवल हमारा ब्राह्मण समाज बल्कि हम लोगों की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि सरकार को इस बात को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए जो है उस चीज़ का समाधान करना चाहिए था। काफ़ी समय से हमारा समाज जो है उस ज़मीन की मांग भी कर रहा है, सरकार के संज्ञान में है, बहुत सारा संघर्ष वहाँ पर हुआ है, बहुत सारे आंदोलन वहाँ पर हुए हैं और आज मैं समझती हूँ ऐसे समय में जहाँ भगवान परशुराम जी की जयंती हर घर में हर जगह पर बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है, ऐसे में कार्यक्रम का आयोजन नहीं करने दिया जाना सरकार की मंशा पर जो है वो प्रश्न चिन्ह लगाता है, बहुत ही दुख का विषय है। आयोजन जो है वो बहुत भव्य तरीके से इसका जिसका की तैयारियां थी उसको ज़रूर करवाया जाना चाहिए। मैम जी कल अजय चौटाला जी आए थे झज्जर में, शिरकत की थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि झज्जर में या पूरे हरियाणा में हर एक विधायक को 25-25 करोड़ रुपये दिया गया है, उनकी आज तक कोई एस्टिमेट बना करके नहीं दिया गया है, तो रोडों की हालत बहुत खस्ता है। जैसे ही डिप्टी सीएम ने विधानसभा में, हमने हरियाणा की हमारी विधानसभा में सत्र के दौरान झज्जर विधानसभा क्षेत्र की, शहर की और गांव की सड़कों की विद फोटोग्राफ हमने वहां पर ये बताया कि हमारे क्षेत्र की बद से बदहाली है और पूरे हरियाणा में यही स्थिति है। तो मैं समझती हूँ उन्होंने जो है ये आश्वासन दिया था कि 25 करोड़ हर विधायक को दिए जाएंगे, हमने उसी समय ही 25 करोड़ की सड़कों के जो बद से बदतर हालत है प्रायोरिटी लिस्ट बनाकर सरकार को उसको देने का काम किया। उसी की घोषणा बीजेपी के अध्यक्ष कर जाते हैं, उसी की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कर जाते हैं, उसी की घोषणा आकर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता कर जाते हैं। घोषणा पे घोषणा हो रही है लेकिन ये पत्थर एक नहीं लग रहा है। आज भी सड़कों की बदहाली है, केवल मात्र कुछ जगह पर जो पैच वर्क है, कोई बात नहीं, आने वाले समय में जहाँ हम, क्योंकि सरकार ने घोषणा की और हमने अपनी लिस्ट भेज दी, उसके बावजूद भी हमारे क्षेत्र के साथ पूरी तरह से ये सरकार जो है भेदभाव करने का काम कर रही है। हम लोग आने वाले सत्र में इस बात को उठाएंगे भी और वैसे भी मैं स्वयं इस बात को लेकर पत्र लिखूंगी कि जब हमने बहुत लंबे समय से अपनी सड़कों की मांग रखी हुई है, बदहाली है, उसको तुरंत प्रभाव से जो है यहाँ पर ठीक करने का और नई बनाने का काम किया जाए। आने का दिया के साथ ऐसी मैं कामना करते हुए भारतीय जनता पार्टी को बनाने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने आज तक कोई गठन नहीं, उनको बोले वो बीजेपी की चिंता करें, इस समय बीजेपी की जेजेपी की सरकार है, ढेला भर भी काम पूरे हरियाणा में नहीं हो रहा। आज किसान फिर से आंदोलनरत है, आज कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आंदोलनरत है, आज बेरोजगार युवा जो है बेरोजगारी भत्ते को चाह रहा है, सरकारी नौकरियों को चाह रहा है, कौशल विकास निगम के तहत केवल कॉन्ट्रैक्ट पे उनको नौकरी दी जा रही है, आज टीचर्स जो हैं अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं आंगनबाड़ी वर्कर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, कहीं आशा वर्कर कर रही हैं, कहीं मिड डे मील वर्कर कर रही हैं। आपकी सरकार है, ठीक है, आप बूथ को मजबूत करने की बात करते हैं, मुझे तो जो भी बीजेपी का कार्यकर्ता है नेता मिलता है वो रोता हुआ ही नजर आता है, वो कहते हैं कि सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। ग्रीवेंस कमेटी के दौरान जिस समय हम यहाँ के ग्रीवेंस के अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव जी आए थे, नगर परिषद की चेयरमैन, भादुरगढ़ की चेयरमैन, उनके पति, उनके ससुर,
ग्रीवेंस कमेटी की लाइन में खड़े थे उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, झज्जर नगर परिषद के चेयरमैन खुद लाइन में खड़े थे उनकी सुनवाई कोई नहीं हुई, बीजेपी के कार्यकर्ता रो रहे थे और वो कह रहे थे कि हमें मीटिंगों में पुलिस से जो है धक्के मरवाए जाते हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो मैं बीजेपी के अध्यक्ष को कहना चाहूँगी कि आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं की सुनवाई करें। और आज तो बहुत सारे मैंने कईयों की स्टेटमेंट सुनी है, अनिल विज जी ने, होम मिनिस्टर हैं, सबसे पावरफुल और गब्बर मंत्री कहे जाते हैं, उन्होंने कहा कि अफसरशाही हावी हो रही है, वो हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान नहीं लिया। तो मैं कहना चाहूँगी हम लोग तो विपक्ष में हैं, हम तो जनता की आवाज़ को उठाएंगे भी और प्रयास करेंगे कि वो कार्य हों, लेकिन बीजेपी की सरकार जो वायदे करके आई थी उसको पूरा करने का काम वो अतिशीघ्र करने का काम करें। नहीं तो बीजेपी के नेताओं को कार्यकर्ताओं को हमने कहते हुए ये सुना है कि हमारी तो हर जगह भद फिट रही है और आने वाले समय जो है 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री की 100वीं मन की बात पूरी हो जाएगी और उस बात को लेकर के 30 अप्रैल को एक नया सिक्का 100 रुपये का जारी किया जाएगा, उस पर लिखा जाएगा मन की बात 100वीं। क्या कहना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात बहुत करते हैं, दूसरों के मन की बात सुनते नहीं हैं, केवल एक तरफा संवाद करते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं, मीडिया के बंधुओं से प्रश्नों से हमेशा बचते हैं, केवल मात्र कंपल्सरी किया हुआ है आरएसएस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा। अच्छी बात है बीजेपी की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री संवाद करते, अगर बातचीत करते, अपने मन की बात ना करके केवल सबको कंपल्सरी कहा गया है कि जिस समय प्रधानमंत्री जी मन की बात करेंगे, हर नेता, हर कार्यकर्ता, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर संस्थान में, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, धक्के से मन की बात देश के प्रधानमंत्री जी की सुनी जाए। तो जो मन की बात करते हैं उसको जो है वाकई में ही धरातल पे प्रधानमंत्री जी कार्य करने का प्रयास भी करें। किसानों की बात वो करते हैं तो किसानों के 3 काले कृषि कानून वापस उन्होंने लिए हैं, उनको MSP देने की बात करें, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, कितने करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है, अग्निवीर की भर्ती भी आप केवल ठेके पे कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हैं, देश की सेना को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे करेंगे तो कैसे बात बनेगी। हमारा जो है आज के समय में देश में जो हालात हैं, चाहे वो चाइना की बात हो, जिस प्रकार से हमारे देश में उन्होंने पूरा कई जगह पर क्षेत्रों पर जो है कब्जा कर लिया है, तो मैं कहना चाहूँगी देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो केवल अपने मन की बात ना करें, अपने घोषणा पत्र को भी वो खोलें, पढ़ें और उस पर भी कार्य करने का अच्छे ढंग से काम करें।